एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एनजी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पीरियडिक टेबल के बारे में बताया था और मैं इस वीडियो में आपको एसिड पे सॉल्व पढ़ाऊंगा, तो शुरू करते हैं एसिड से। एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो एस प्लस आयन ले लेते हैं और ओ एच माइनस आयन दे देते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें होते हैं आयनाइजेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, वाटर अगर एसिड में ऐड करें तो आयनाइज हो जाता है और देता है हाइड्रोक्सिल आयन और नेगेटिव और एक नेगेटिव चार्ज आयन। तो अगर हम एग्जांपल दें, एक HCl एसिड है और उसको हम वाटर के साथ ऐड करें तो हम लोग को देगा H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन। हाँ, तो इसका इफेक्ट क्या होता है इंडिकेटर्स पे, ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को चेंज कर देता है पिंक या रेड में, और फिनोल्फथालीन लेकिन कलरलेस रहता है। हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस कॉन्सेप्ट की। तो अगर हम एसिड को एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे H2SO4 को हम आयरन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को देगा FeSO4 जो कि एक सॉल्ट है, तो और एक और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं कि एसिड को अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। अगर एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी और ब्रिज की सर्विसेंस मिलेगी, जैसे खोलती हुई रिएक्शन होगी। तो CaCO3 को अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये देगा CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा। इसके बाद कुछ और भी रिएक्शन कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।